का रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियाँ सुनाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन जैसे घुमक्कड़ों की कहानियाँ सुना चुका हूँ। आज मैं जिस घुमक्कड़ की कहानी बताऊंगा, उनकी घुमक्कड़ ही नहीं उन्हें एक महान क्रांतिकारी बना दिया। इस घुमक्कड़ का नाम है अर्नेस्टो चे गुएवारा। कुछ लोग उन्हें चे गुएवारा भी कहते हैं। अर्नेस्टो चे गुएवारा का जन्म सन 1928 में 1928 में दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में हुआ था। बड़े होकर उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया और वे डॉक्टर बनने की तैयारियां करने लगे। चे गुएवारा को घुमक्कड़ी का बहुत शौक था और 1952 में 1952 में उन्होंने अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर दक्षिण अमेरिका की घुमक्कड़ी का फैसला किया। उनके साथी का नाम था एल्बर्टो ग्रेनाडो। दोनों साथियों ने जिस मोटरसाइकिल को घुमक्कड़ी के लिए चुना वो नॉर्टन कंपनी की मोटरसाइकिल थी और इसका इंजन 500 सीसी का था। दोनों साथियों ने इस मोटरसाइकिल का नाम रखा ला पेडोरोसा। ला पेडोरोसा स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शक्तिशाली यानी बलवान। लेकिन ये मोटरसाइकिल सिर्फ नाम के लिए बलवान थी और बीच घुमक्कड़ी में ही ये पूरी तरह खराब हो गई। इसके बाद बाकी का सफर चे गुएवारा ने घोड़ों पर बैठकर, ट्रकों में सवार होकर या पैदल चलकर पूरा किया। चे गुएवारा की ये घुमक्कड़ी पूरे 8 महीने चली। इस दौरान उन्होंने हजारों मील की यात्राएं की और दक्षिण अमेरिका के 5 देशों की घुमक्कड़ी की। यदि तुम नक्शे में देखो तो इन 5 देशों को खोज सकते हो। ये 5 देश हैं अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला। चे गुएवारा की यात्रा मुश्किलों से भरी हुई थी। कभी उन्होंने एंडीज के पहाड़ों को क्रॉस किया तो कभी अमेजन नदी को पार किया। चे गुएवारा और उनके साथी के पास नहीं के बराबर पैसे थे और उन्होंने ये घुमक्कड़ी फकड़ों की तरह की। उनके पास होटल में ठहरने के पैसे नहीं थे, इसलिए कभी वे गाड़ियों के गराज में ठहरते, कभी जानवरों के बाड़े में, तो कभी पूरी रात खुले आसमान के नीचे तारे गिनते रहते थे। एक दो बार उन्हें पुलिस स्टेशनों में भी रात गुजारनी पड़ी। चिली में चे गुएवारा ने तांबा के खानों का दौरा किया। तांबा को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर और ये चिली की आय का मुख्य स्रोत है। तांबा के इन खानों पर अमेरिकी व्यवसायियों का कब्जा था और इन खानों में हजारों गरीब मजदूर काम करते थे। उन गरीब मजदूरों पर इतने जुल्म ढाए जाते थे कि चे गुएवारा का कलेजा दहल गया। पेरू जाकर चे गुएवारा ने माचू पिच्चू का शहर देखा। माचू पिच्चू का शहर महान इंका साम्राज्य का एक विशाल शहर था। अब यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं, लेकिन इसकी गिनती दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धरोहरों में होती है। चे गुएवारा और उनके साथी टिटिकाका झील देखने भी गए, जो पहाड़ों के ऊपर बनी हुई एक बड़ी झील है। पेरू के सैन पेब्लो में चे गुएवारा कुष्ठ रोगियों की एक बस्ती में गए। बच्चों, कुष्ठ रोग एक बीमारी होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। उन दिनों लेप्रोसी का कोई भी इलाज नहीं था और कुष्ठ रोगियों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता था। लेकिन सैन पेब्लो की बस्ती में चे गुएवारा को यह देखकर खुशी हुई कि कुष्ठ रोगियों के साथ मानवीय बर्ताव होता है। चे गुएवारा इतने खुश हो गए कि उन्होंने कुष्ठ रोगियों के साथ ही अपना जन्मदिन हैप्पी बर्थडे मना लिया। इसके बाद चे गुएवारा कोलंबिया गए और फिर वेनेजुएला जाकर उन्होंने अपनी यात्रा खत्म की। घुमक्कड़ी पूरी होने के बाद दोनों साथियों ने मिलकर स्पेनिश भाषा में अपने संस्मरणों की किताब लिखी। इस किताब का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इंग्लिश में इस किताब को कहते हैं मोटरसाइकिल डायरीज। मैंने ये किताब पढ़ी है और बहुत ही रोचक किताब है ये। तुम भी बड़े होकर इस किताब को जरूर पढ़ना। इस घुमक्कड़ी ने चे गुएवारा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।
अब तक चे गुवारा एक बड़ा डॉक्टर होकर ढेर सारे पैसे कमाने का सपना देखते थे, लेकिन घुमक्कड़ी के दौरान उन्होंने दक्षिण अमेरिका में इतनी गरीबी देखी, इतना शोषण और अन्याय देखा कि उनके मन में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति नफरत पैदा हो गई। चे गुवारा ने यह समझ लिया कि जब तक कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ के नहीं फेंका जाता, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता है। इस घुमक्कड़ी ने चे गुवारा को एक और सबक सिखाया। चे गुवारा ने देखा कि दक्षिण अमेरिका में अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन वहाँ आम आदमी की समस्याएं एक जैसी हैं, और ये देश कहीं ना कहीं एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। चे गुवारा ने सभी दक्षिण अमेरिकी देशों को मिलाकर एक देश का सपना देखा। उन्होंने इस देश का नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। चे गुवारा का यह ख्वाब अब तक अधूरा है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उनका सपना पूरा हो जाए। आगे चलकर चे गुवारा एक महान क्रांतिकारी बन गए। मेक्सिको में उनकी मुलाकात फिडेल कास्ट्रो से हुई, और फिर दोनों ने मिलकर 1959 में क्यूबा की महान क्रांति को अंजाम दिया। इसके बाद चे गुवारा बोलिविया देश चले गए और वहां लड़ते हुए 1967 में शहीद हो गए। सन 2004 में नॉर्वे में चे गुवारा की किताब मोटरसाइकिल डायरीज पर एक फिल्म बनाई गई। फिल्म का नाम भी है मोटरसाइकिल डायरीज। तब तक चे गुवारा की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके साथी अल्बर्टो ग्रेनेडो जीवित थे और काफी बूढ़े हो चुके थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान अल्बर्टो ग्रेनेडो भी मौजूद रहे। तो बच्चों, ये थी चे गुवारा की घुमक्कड़ी की कहानी। बड़े होकर तुम भी मोटरसाइकिल पर घुमक्कड़ी कर सकते हो। मोटरसाइकिल पर घूमने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र का होना जरूरी है। तब तक तुम साइकिल से ही काम चलाओ। हो सकता है कि तुम्हारी घुमक्कड़ी भी तुम्हें एक महान क्रांतिकारी बना दे और तुम भी चे गुवारा की तरह ही इतिहास में अमर हो जाओ। तो अगले हफ्ते तक के लिए अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।